हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन। मैं अजय वर्मा, आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। मैं, संजय और सुधीर, हमारा प्लान है आज का, देखते हैं सेम डे करते हैं या टू डे जर्नी। आपको पूरा मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल विजिट कराते हैं। और ये अभी हमने पेट्रोल का टैंक अपना फुल कर लिया है, अब यहाँ नजफगढ़ से जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी हम ऑन दी वे हैं, यही 10 से 15 मिनट हुआ निकले, आगे आपको मिलते हैं, फिर बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से वृंदावन जाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग चुनना चाहते हैं तो एक्सप्रेस वे हाईवे सबसे बेस्ट है। यह सबसे तेज मार्ग है क्योंकि इस मार्ग पर दिल्ली से वृंदावन यातायात नियमित है और आप सड़क बंद होने से बच सकते हैं। इस मार्ग पर दिल्ली और वृंदावन के बीच की दूरी लगभग 183 किलोमीटर है और इसमें लगभग 3.5 घंटे टाइम लगता है। दिल्ली से वृंदावन तक सड़क बहुत अच्छी है, आप यहां पर सफर का मजा ले सकते हैं। वृंदावन जाने के लिए एक्सप्रेसवे हाईवे से रास्ता फटेगा 7 किलोमीटर। राधे राधे फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं वृंदावन में। ये वृंदावन का एंटर होने का मेन गेट है। आज हम अभी नाइट स्टे करेंगे अपना वृंदावन में और घूमेंगे यहाँ पे मथुरा वृंदावन, और आपको दिखाते हैं आगे के दर्शन, प्रेम मंदिर, राधा कुंड, आपका कृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी टेम्पल। ये आप छोटा सा देख सकते हैं कितने कितने मीटर पे कौन कौन सी जगह है। ये है वृंदावन में एंटर होने के बाद का व्यू। यहाँ से आप कार पार्किंग चालू हो जाती है। कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का अपना एक अलग ही महत्व है। उत्तर प्रदेश राज्य के इस पवित्र शहर में भगत दूर दूर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का नाइट स्टे के लिए होटल है। अभी आपको अंदर से रूम वगैरह दिखाएंगे आके। काफी बड़ी है, 1000 कमरों की प्रॉपर्टी है ये। आ रहा हूँ भैया, ये है इसका अंदर से। ये फ्रेंड हमारा आज के नाइट स्टे का रूम। रूम काफी अच्छा है, स्पेसियस है, 3 पर्सन के लिए कंफर्टेबल है। ये हमारे फ्रेंड का ही है, उसने लीज पे ले रखा है, तो हम आते हैं तो यहीं रुकते हैं। ये वॉशरूम है, हेलो फ्रेंड्स, आप निकले हैं हम दर्शन के लिए। शाम हो गई है, मंदिर सारे ओपन हो गए हैं, तो आपको आगे का दिखाते हैं सारे। ये आ गए हैं राधे राधे।
मंदिर का निर्माण 2001 में फरवरी में हुआ था। मंदिर का परिसर लगभग 54 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में 94 स्तंभ है जिनको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अलग अलग लीलाओं को दर्शाते थे। ज़्यादातर स्तंभ पर गोपियों की मूर्तियां बनी हुई हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मूर्तियां कभी भी बोल सकती हैं। प्रेम मंदिर की सबसे खूबसूरत बात इसे द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। प्रेम मंदिर के परिसर में आपको बहुत ही खूबसूरत राधा कृष्ण की झांकियां देखने को मिलेंगी। इनमें से श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां शामिल हैं और यहां आपको गोवर्धन पर्वत की झांकियां भी दिखाई देंगी जो बहुत ही खूबसूरत हैं। इसमें आपको खूबसूरत फव्वारा भी दिखाई देगा। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी आपको राधा कृष्ण की लीलाओं का अंकित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भी भारत की प्राचीन वास्तु शिल्प की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी बनी हुई है। दोस्तों, करीब 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु ब्रज की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने वृंदावन की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की लीला सतलियों का भाग हुआ। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु तो वापस पश्चिम बंगाल चले गए, लेकिन उन्होंने अपने चेलों को वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला सतलियों की खोज करने के लिए भेजा, क्योंकि उस समय वृंदावन पूरी तरह घने जंगलों का रूप ले चुका था। लीलाधारी पूरी तरह विलुप्त प्राय हो चुकी थी। ऐसे में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने वृंदावन में वास करते हुए प्रभु की साधना की और वहां भगवान की लीला सतलियों का पुनः प्रकाश करते हुए सप्त देवालयों की स्थापना की। इनमें सबसे पहला मंदिर है मदन मोहन मंदिर। लाल पत्थरों से दिव्य इमारत के रूप में स्थापित मदन मोहन मंदिर का निर्माण मुल्तान के एक बड़े व्यापारी ने सनातन गोस्वामी के आदेश पर करवाया था, जिन्हें आज भी अपनी दिव्यता के जरिए लाखों हजारों श्रद्धालु यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन जी का यह मंदिर अभी के वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन का एक बहुत बड़ा महत्व और पवित्र स्थान है, रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाने आते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में सहन कक्ष है। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चय ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे। इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी मिलेगी और आपस में गुथी हुई प्रतीत दिखाई देंगी। Thank you.
दोस्तों तीन ओर से घेरे रखी यमुना नदी के घाट वृंदावन की प्राकृतिक रूप से धाम का दर्जा प्राप्त करते हैं। यमुना जी के तट पर अनेक घाट हैं जो मनमोहक दृश्य प्रदान करते हैं। यहाँ के हर घाट पर स्नान करने का अलग अलग अपना महत्व है। साथ ही वृंदावन में भ्रमण करने पर यहाँ के मोहल्ले हमें कृष्ण लीलाओं का मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। मानो कह रहे हों कि आज भी वृंदावन की फिजा में केवल केवल श्री कृष्णा समाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार।